श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्तों के स्वागत के लिए मथुरा दुल्हन की तरह सजी हुई है। मथुरा के हर रास्ते और चौराहे पर आप देखेंगे तो वो जगमगाते हुए आपको नजर आएंगे। रंग बिरंगी लाइट्स ने मथुरा नगरी को देखिए किस तरह से बेहद खूबसूरत और शानदार बना दिया है। इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हर वो रौनक और भक्ति से सराबोरी तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। मथुरा की तस्वीर आप देखिए, जहाँ सभी प्रवेश मार्ग पर कितनी खूबसूरती के साथ ये सजावट की गई है। तो देशभर में जन्माष्टमी की धूम है। राजस्थान के मंदिरों में भी जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। आमेर के ऐतिहासिक जगत शिरोमणि मंदिर में दूर दूर से लोग जन्माष्टमी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जगत शिरोमणि मंदिर कई मायनों में बेहद खास है। क्यों आज हम इसका जिक्र कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में सराबोर है। कन्हैया के अवतार लेने का पल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। देश के कोने कोने के कृष्ण मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो गई है। मथुरा से वृंदावन तक आकाश कृष्ण भजन से गुंजायमान है। हम आपको रूबरू कराते हैं राजस्थान के आमेर के अनोखे जगत शिरोमणि मंदिर से, जो कई मायनों में खास है। इस मंदिर का इतिहास और इनसे जुड़ी मान्यताएं बेहद दिलचस्प हैं। यूं तो देश के तमाम कृष्ण मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा की प्रतिमा विराजमान होती है, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर की बात जुदा है। यहां कृष्ण के संग मीरा की मूर्ति स्थापित है। यहां कृष्ण के साथ राधा और रुक्मणी की नहीं बल्कि मीरा की पूजा होती है। जगत शिरोमणि मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान के साथ भक्त की आराधना होती है। इस मंदिर में भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम झलकता है। इस प्राचीन और दिव्य मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर का शिल्प भी बेमिसाल है। मंदिर में मंडप में कृष्ण के साथ मीरा की शादी रचाई गई। इस मंदिर में बाहर एक तोरण का गेट बना हुआ देखा होगा आपने, तो तोरण गेट बनाया गया। उस तोरण गेट पे भगवान कृष्ण को दूल्हा बनाया गया और जैसे तुलसी और सालाराम की शादी होती उस तर्क पर इनका शादी का संस्कार किया गया। मीरा की अष्ट धातु की मूर्ति बनाकर राजा ने, मानसिंह ने, इसको बेटी भाव बनाकर और इनके साथ शादी का विवाह कर दिया गया। उसके बाद में इसको मीरा मंदिर के नाम से पुकारा जाने लगा। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित कृष्ण की मूर्ति वही है जिसे मीराबाई को उनके गुरु संत रविदास ने दिया था। आप तमाम कृष्ण मंदिरों में जाते होंगे और अक्सर कृष्ण के साथ राधा की प्रतिमा को देखते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त की पूजा होती है भगवान के साथ, यानी भक्त अपनी भगवत्ता से भगवान के साथ पूजा जाता है। फिलहाल हम उसी मंदिर में मौजूद हैं। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जब भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा की पूजा होती है, और उससे भी दुर्लभ क्षण ये है कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। कहते हैं मीरा के गुरु रैदास ने भगवान श्री कृष्ण की इसी मूर्ति को दिया था और जीवन भर मीरा ने इसी मूर्ति की पूजा की, और आज क्षण देखिए कि उसी मूर्ति के साथ मीरा खुद की पूजा हो रही है। ये भक्ति का ऐसा विराट रूप है, दिव्य प्रेम का ऐसा स्वरूप है जिसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने और रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में करवाया था। कहते हैं रानी अपने जगत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन असमय बेटे की मृत्यु वो सहन नहीं पाई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जीवन भर वो अमर हो जाए, सदियों तक उनका नाम याद रहे। आमेर की इस ऐतिहासिक धरोहर को निहारने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर की रौनक और भव्यता और भी बढ़ जाती है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।